अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला रिकर्सिव फंक्शन ये होगा कि हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना होगा जिसमें हमारे पास यही लिंक लिस्ट होगी और हमें दो एलिमेंट्स गिवन होंगे और हमने फाइंड करना है कि इन दो एलिमेंट्स के दरमियान कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो उसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये दी गई है और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन भी है सिंगल लिंक लिस्ट की। ऑब्वियसली हमने ये हमारे पास प्री कंडीशंस में है कि सिंगल लिंक लिस्ट हो या फिर एरे हो जिस पे से भी करना। तो यहाँ पे ऐसे है कि सिंगल लिंक लिस्ट दी गई है और उसके अंदर हम लोगों ने एक काउंट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है और हमारे पास वो दो एलिमेंट्स के दरमियान बताएगा कि नहीं नोड्स होनी चाहिए। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंगल लिंक लिस्ट की सारी दी गई है यहाँ पे। ये प्री कंडीशन में आता है सारा कुछ। तो उसके अलावा हमारे पास टेस्ट केस भी गिवन है, तो हम लोगों ने बस फंक्शन जो है फिलहाल के लिए वो इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें कुछ बातें उन्होंने बताई हुई हैं कि अगर तो फ्रॉम एलिमेंट कैन नॉट बी फाउंड इन द लिस्ट मेथड वुड रिटर्न लाइक जीरो। तो उसके बाद हमारे पास पहली बात तो उन्होंने रिकर्सिव की बात कर ली। फिर उसने कहा कि टू एलिमेंट कैन नॉट बी फाउंड इन द लिस्ट आफ्टर फ्रॉम एलिमेंट। तो फ्रॉम एलिमेंट से आगे जाके हमारे पास टू एलिमेंट नहीं आ सकता, मतलब कि हम लोगों ने जो एलिमेंट की फाइंडिंग शुरू करनी है वो फ्रॉम एलिमेंट से शुरू करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले टू एलिमेंट पहले आ जाए और फ्रॉम वाला एंड में आ जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट द लिस्ट बिटवीन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड द एंड इंस्टेंस। ओके, सो उन दोनों के दरमियान ही फाइंड करना है और हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे फ्रॉम एलिमेंट और टू एलिमेंट ये दोनों भी इंक्लूडेड होंगे हमारे पास। यस, दोनों हमारे पास टू वाला एलिमेंट और फ्रॉम वाला एलिमेंट भी इंक्लूडेड होगा। लाइक इन दिस केस के हमारे पास ए और ए है तो उसने आउटपुट 1 दी है। इसका मतलब ये है कि ए और ए जो है वो इंक्लूडेड है क्योंकि वो दोनों एंड और फ्रॉम एलिमेंट बन रहे हैं। तो ए और बी हमारे पास जैसे कि देखें यहाँ से ए और बी यहाँ पे हैं तो ये दो एलिमेंट्स हैं तो दो रिटर्न कर। तो चलिए यही हमारे पास बेस केस बन गया कि अगर हमारे पास एक तो उन्होंने कहा एक एलिमेंट अगर फाइंड नहीं हो रहा तो उसकी जीरो रिटर्न करना चाहिए और अगर एलिमेंट अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो फिर 1 रिटर्न होगा। तो पहली कंडीशन तो ये बन गई, अगर तुम्हारे पास फ्रॉम एलिमेंट अगर नल होता है या हमारे पास टू एलिमेंट अगर नल होता है तो हमने जीरो रिटर्न कर, और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी हमारे पास बेस कंडीशन ये है कि अगर दोनों एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट मैच कर जाते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास 1 रिटर्न आना चाहिए। चलिए ये हमारे पास बेस केसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। बेस केसेस हमारे पास कंप्लीट हो गए। इसके अलावा हमारे पास अब लिस्ट में हम लोगों ने पहले चेक करना है कि एलिमेंट हमें मिल कहाँ पे रहा है। तो पहले हम लोग सपोज करते हैं कि हो सकता है हमें हेड पे ही जो है वो एलिमेंट मिल जाए, लेकिन हम लोग जैसे कि हम लोग हेड को मूव नहीं कर सकते, हेड को हम लोग ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते आगे से आगे, तो एक टेम्प्रेरी पॉइंटर ले लेते हैं जो कि टैग ऑफ हेड को पॉइंट करेगा और ये हमें ट्रैवर्सिंग में हेल्प करेगा। तो मैंने एक फंक्शन भी बनाया नीचे एक रीसेट का। ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही हम लोग दोबारा से एक मैच करने लगेंगे तो ये रीसेट का फंक्शन हमारे पास टेम्प को हेड पे आई मीन स्टार्ट पे जो है वो उसको पॉइंट कराना शुरू कर देगा। तो हमारे पास ये है कि फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे टेस्ट केसेस हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। तो उससे पहले हम लोग रीसेट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो टेम्प्रेरी पॉइंटर है वो इनिशियली स्टार्ट पे पॉइंट करना दोबारा शुरू कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमारे पास अब हम लोगों ने एलिमेंट फाइंड करना है कि लिस्ट में एलिमेंट वो हमें मिलता कहाँ पे है। तो हम लोग पहले ये सपोज कर लेते हैं कि हमें जहाँ पे अभी टेम्प पॉइंट कर रहा है वहीं पे हमें एलिमेंट वो मिल जाता है। अगर
temp की वैल्यू हमें मैच करती है फ्रॉम एलिमेंट से, तो हमारे पास इनिशियल हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मिल गया। तो हमने इसके बाद करना क्या है कि हमने temp को एक पार्ट आगे मूव करवा लेना है, इससे। और हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर temp null तो नहीं हुआ, अगर तो temp आगे मूव करता है तो बेसिकली इसके बाद हम लोगों ने स्टेप क्या करना है कि हम लोगों ने रिटर्न करना है 1+ दोबारा से इस काउंट के फंक्शन को कॉल करके, और दिस टाइम हम लोगों ने हमें फ्रॉम वैल्यू तो मिल गई कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, तो बेसिकली हम लोगों ने उससे अगले वाली वैल्यू अब पास करनी है, और तब तक पास करते रहना जब तक हमें ये वाला एलिमेंट जो है टू एलिमेंट जो है वो मिल नहीं जाता। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो temp की वैल्यू है अब वो पास करेंगे। temp को हमने ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करवा दी है, तो temp उससे अगले वाले एलिमेंट को पॉइंट कराएगा, तो एक उसकी वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। तो हम लोगों ने ये बेसिकली ये स्टेप परफॉर्म करना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि temp जब नेक्स्ट पार्ट मूव कर रहा है तो वो temp का नेक्स्ट पार्ट हो ही नल, तो यहाँ पे वो रन टाइम एरर देगा कि temp की वैल्यू जो है वो है ही नल, तो वहाँ पे आप वैल्यू असेस की डाटा पार्ट असेस कर ही नहीं सकते। तो हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कि temp इज नॉट इक्वल टू नल, अगर तो ऐसा है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमने ऐसा करना है कि बेसिकली फिर जीरो ही रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर वो टेम्परेरी का नेक्स्ट पार्ट तो मिलता है तो सही है, लेकिन हमारे पास अगर वो नहीं मिलता तो हमें ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप ऑफ लाइक 1 फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। सही, इसको बाद में चेक कर लेंगे, यहाँ पे 1 भी हो सकता है 0, उसको देख लेते हैं साथ में। तो उसका एल्स पार्ट ये होगा कि हमें सपोज करें कि यहाँ पे जाके वो नहीं मिलता, temp अब जहाँ पे हेड पे पॉइंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू अगर मैच नहीं होती तो ये क्या करेगा, temp को तो नेक्स्ट पार्ट मूव कर ही देगा, और साथ में हमारे पास दोबारा से फंक्शन को कॉल करेगा अकाउंट को विद सेम वैल्यूज, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी मैच नहीं मिला तो हमने उन वैल्यूज के साथ ही इसको दोबारा से कॉल कर देना है। तो और यहाँ पे हमें एक और स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी रिटर्न जीरो की टू कॉल दिस, इस फंक्शन का इस रिटर्न स्टेटमेंट से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच करती है तो यहाँ पे रिटर्न फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। चले अभी यहाँ पे ऐसे है कि बेसिकली हमें temp जो है वो शुरू में अगर एक वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है वो हमें वैल्यू मिल जाती है, और उससे आगे जाके वैल्यू नल होती है, तो यहाँ पे 1 ही हमने रिटर्न कराना है, क्योंकि हमें वो वाली नोड तो मिल गई है जो हम लोगों ने मैच कर ली है, लेकिन उससे आगे नोड नहीं है तो वो वाली नोड काउंट होगी, तो बेसिकली यहाँ पे 1 ही रिटर्न होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास बेसिकली जब temp हमारे पास इनिशियली हेड पे पॉइंट कर रहा था तो हम लोगों ने देखा कि अगर तो वो फ्रॉम एलिमेंट अगर उससे मैच करता है वैल्यू से, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास पहले वो चेक करेगा temp को नेक्स्ट मूव करके, चेक करेगा कि temp नल तो नहीं हुआ, अगर तो नल नहीं हुआ तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू के साथ हमारे पास आगे वो दोबारा से फंक्शन कॉल कर देगा विद 1+ के हमें एक नोड मिल गई है, आगे फिर काउंट कर लो कि और कितनी नोड्स हैं। अगर तो आगे कोई नोड ही नहीं है तो फिर हमें हमें पता है कि हमारे पास जो एक रिजल्ट हमें मिल गया वो हमारे पास है, हमें वो ही उसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अगर तुम्हें फ्रंट अगर स्टार्ट में बेसिकली लाइक अगर फ्रंट स्टार्ट में हमारे पास ए पे पॉइंट कर रहा था और वो मैं कहते हैं कि टाइप ऑफ एफ फाइंड करो, तो एफ लिस्ट में नहीं है तो वो सारा ट्रेवर्स करके आएगा एंड तक और हमारे पास रिजल्ट दे देगा कि नंबर ऑफ नोड्स टोटल उसने ट्रेवर्स कितनी की हैं। उसको रिजल्ट अगर नहीं मिलता कहीं पर जाके नल हो जाता है तो वो उसने रिटर्न करवा देना है वहाँ से कि हमारे पास जो है वो नोड मिली नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ मतलब कि स्टार्टिंग नोड से लेकर जो नोड नहीं मिली वहाँ तक हमारे पास इतने एलिमेंट्स थे, तो इसलिए यहाँ पे
वन प्लस टाइप ऑफ कर रहे हैं, नहीं तो ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे एरर आ जाता कि हमें डेस्टिनेशन नोड मिली नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन नोड आपको नहीं मिलती तो आपने जितने एलिमेंट्स ट्रेवर्स करके आए हैं उतने आपने रिटर्न कर दें। लाइक हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सी होता और हमें एफ फाइंड करने के लिए दिया होता, तो फिर सी टू एफ हमारे पास तीन नोड्स ही काउंट हो चुकी थी, एफ हमें मिला नहीं है तो हम लोगों ने तीन ही रिटर्न करना था। सो कमिंग बैक टू दिस, अब इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास हमें हेड पॉइंटर पे समझने की वैल्यू नहीं मिली। हमारे पास ट्रेवर्सिंग सपोज कर लेंगे स्टार्ट करनी थी हमने डी से, तो इनिशियली हमारे पास हेड पे पॉइंट कर रहा था, मतलब ए पे पॉइंट कर रहा था, हमें नहीं मिली वैल्यू। तो ये कंडीशन ना इन दोनों में से कोई मैच हो रही थी और ना ये मैच हो रही थी, तो उसने क्या करना था कि टेम्प को नेक्स्ट पार्ट में मूव करवा लेना था और फिर सेम उन्हीं वैल्यूज के साथ दोबारा से फंक्शन कॉल करना था। उससे क्या होना था कि वैल्यूज तो सेम रहनी थी लेकिन फंक्शन उसी तरह कॉल होना था और फिर टेम्प डॉट वैल्यू में एक अपडेटेड वैल्यू होनी थी। तो टाइप ऑफ टेम्प आगे मूव करता जाता तो ब्रेक पॉइंट आना था, तो जब ये फंक्शन कॉल होता तो हमारे पास टेम्प जो था वो उसकी सही वैल्यू पे पॉइंट कर रहा होता। और अगर तुम्हें वैल्यू कहीं पर जाके नहीं मिलती तो हमारे पास वो बेस केस है कि रिटर्न जीरो कर दो। और अगर तो वैल्यू दोनों मैच होती हैं, ये हमारे पास जो बेसिकली एंडिंग पॉइंट होगा या ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। इसके अलावा हमारे पास ये बेस कंडीशन ये दो ही बन रही हैं। उसके अलावा बाकी जो है हमारे पास ये जो है ट्रवर्स केस वन और टू जो हमारे पास बन रहे हैं, तो इसे रन करके देख लेते हैं। हमारे पास टेस्ट केस भी है, ये कुछ टेस्ट केसेस हैं। यहाँ पे cannot read value temp dot, इसको चेक कर लेते हैं कि वही बात के यहाँ पे उसने temp पे दोबारा से एरर दे दी है, तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं कि temp को ऊपर ही चेक कर लें। temp is if temp is equal to null then भी हमारे पास जो है वो नोट जीरो रिटर्न करा दे। तो अब ये एरर भी हमारे पास रिजॉल्व हो गया। चलें अभी हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स आ गए हैं कि ए टू ए, देखें ए से ट्रेवर्सिंग शुरू हुई तो ए से ए तक हमारे पास एक नोड बन रही है, ए से बी हमारे पास दो नोड्स, ए टू डी हमारे पास चार नोड्स, और टाइप ऑफ लाइक सारे के सारे केसेस हमारे पास अगर कोई डेस्टिनेशन नोड नहीं है या फिर जो हमारे पास कोई डिफाइंड नहीं है, नल से स्टार्ट हो रही है या फिर नल से एंड हो रही है, तो हमारे पास बेस केस था, ये पहली लाइन ही हमारे पास रिजल्ट बन जाती है। बाकी हमारे पास ट्रेवर्सिंग का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इसका मुझे हो रहा था टाइम डॉट वैल्यू का यहाँ पे बेसिकली जब यहाँ पे हम लोग चेक नहीं कर रहे थे टाइम को आगे मूव करके कि वो नल नहीं हो रहा, तो हमें कहीं ना कहीं इसको चेक करना पड़ना था। तो ये सही है कि हम लोग यहाँ पे चेक करें क्योंकि इनिशियली हेड भी नल हो सकता है, इनिशियली कोई लिस्ट में कोई वैल्यू ना हो तो फिर हमारे पास टाइम जो है वो नल डायरेक्टली होगा। तो होपफुली आपने वीडियो को इन्जॉय किया होगा, आगे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, वो सारी की सारी ये सीरीज जो होगी सारी रिकर्सिव फंक्शंस के हवाले से होंगी और ऐसी प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करेंगे जो कि सिंपल ना हो, लाइक लीनियर सर्च की कोई ट्रेवर्स टाइप ऑफ रिकर्सिव फंक्शन नहीं बना देंगे, थोड़ा देखने में जो कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा सोचने वाला हवाला, उस पर ही थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ।